नमस्कार, मैं कुसुम। आप देख रहे हैं खबर हरपल न्यूज। अब चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। आईपीएल पर सट्टा खेलते 3 सटोरियों को ग्वालियर की क्राइम ब्रांच पुलिस ने पकड़ने में सफलता हासिल की है। इनके पास से पुलिस ने 19 लाख रुपए नगद, 3 मोबाइल और 1 लैपटॉप और हिसाब किताब की एक डायरी जब्त की है। इसका खुलासा ग्वालियर की पुलिस अधीक्षक अमित सांगी ने प्रेस वार्ता में किया। ग्वालियर शहर की पॉश कॉलोनी हरिसंगपुरम में क्राइम ब्रांच ने घर में रेड कर आईपीएल का बड़ा सट्टा पकड़ा है। 3 सटोरियों से 19 लाख रुपए नकद और लैपटॉप व डायरी मिली है। यह अभी तक की सटोरियों से नकदी बरामद की सबसे बड़ी कार्रवाई है। क्राइम ब्रांच डीएसपी रत्नेश सिंह तोमर को बीती रात एसपी अमित सांगी ने आईपीएल के सट्टे की धरपकड़ का पॉइंट दिया। इस सूचना पर क्राइम ब्रांच की टीम शहर की पॉश कॉलोनी हरिसंगपुरम पहुंची। यहां पर B21 मकान नंबर में क्रिकेट का सट्टा चलाने की खबर थी। इस सूचना पर पुलिस ने मकान में दबिश दी। यहां कमरे में 3 युवक मैच का सट्टा लगाते दिखे। पुलिस ने युवकों के लैपटॉप को देखा तो उसमें 99hub.com वेबसाइट खुली थी, जो मैच का सट्टा लगाने के लिए अक्सर बुकी इस्तेमाल करते हैं। इन सभी के पास मोबाइल फ़ोन भी मिले, जो ग्राहकों से दाव लेने के लिए इस्तेमाल हो रहे थे। पास में ग्लाइल डायरी भी मिली, जिसमें ग्राहकों का हिसाब लिखा जा रहा था। कमरे की तलाशी लेने पर आरोपियों के पास से 19 लाख रुपये बरामद हुए हैं। सट्टा मोहित अग्रवाल के मकान में चल रहा था। पकड़े गए आरोपियों के नाम रजत पुत्र नरेश अग्रवाल, उम्र 29 साल, निवासी पारकजी का बाड़ा सराफा बयार। मोहित पुत्र सूरज अग्रवाल, उम्र 38 साल, निवासी हरिसंगपुरम। संदीप मित्तल पुत्र आरडीजन, उम्र 33 साल, निवासी डीडवाना ओली है। ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब से लागू हुआ है पिछले 7-8 दिनों में, इसमें हमने 400 से ज़्यादा वारंट तामील किए हैं और 4 हमने NSA कर दिए हैं। इसके अलावा करीब 36 मामले जिला बदर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की कोर्ट में प्रस्तुत किए हैं, जिसमें से 5 में फाइनल ऑर्डर हो गए हैं, बाकी प्रोसेस में हैं। बहुत जल्दी इसमें फाइनल ऑर्डर हो जाएंगे। और इसके अलावा कम से कम 4000 से ऊपर व्यक्तियों के ऊपर बाउंड ओवर की कार्रवाई के हमारे इस्तगा से न्यायालय में पेंडिंग है, जिसमें शीघ्र ही हम बाउंड ओवर की कार्रवाई भी करा देंगे। और बड़ी मात्रा में अवैध हथियार, जिसमें कि पिस्टल्स और धारदार हथियार होते हैं, इसकी जब्ती की गई है। और शराब की भी बड़ी मात्रा, करीब 1700 लीटर के आसपास हमने जब्त की है। इसके अलावा जो वारंटी उपस्थित नहीं हो रहे हैं, माननीय न्यायालय में हमने उनके जमानतदारों की जब्ती की कार्रवाई भी करा रहे हैं। और इस तरह के करीब 200 आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किए हैं, जिससे जमानतदारों की जब्ती की कार्रवाई भी होगी। ग्वालियर के एक युवक की जयपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। ग्वालियर में उसकी डेड बॉडी ग्वालियर लाने के बाद परिजनों ने ठाटीपुर चौराहे पर चक्काजाम कर दिया और उसकी पत्नी के परिजनों पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जाम को खुलवाया और मामले की जांच में लिया है। गए थे तो इनकी मम्मी पे कॉल आया था रात को 2 बजे, नहीं रात को 2 बजे डेथ हुई थी। और इन पर सुबह आया था कॉल कि आपका लड़का ऐसे ऐसे डीढ़गढ़ से ले आना, छोड़ के वहाँ से भग आए थे। एक बजे टाइम कॉल आया था, मम्मी भी उनसे पूछ रही थी, और वहाँ पे गए थे तो वहाँ से सब वहाँ से छोड़ छाड़ के यहाँ भग आए। कौन छोड़ के भग आया? इसकी बीवी पहले यहाँ बोल रहे रोती अम्मी, आपके लड़के को किसका था आपने मार रहेगा? भाई मैं मेरे पेट आया था, ट्रेन में कुछ के बात करी थी मेरे से, तो मार के देना बस। क्या बात की थी आपने मेरे से? बेटा बात करी थी कि बेटा मुझे कह रहा था मम्मी मुझे लोग ने करने नहीं दे रहे। पूरी बात बता ले, लड़के की शादी कहाँ पे हुई थी? एक ही बार हुई थी बस, इतवार के दिन। नहीं लड़के की शादी कहाँ पे हुई? शादी कहाँ करी थी? लव मैरिज करी थी। कहाँ पे की? लड़की वाले कहाँ के थे? कुमारपुरा के थे। क्या करते हैं वो लोग? वो तो ऐसे ही आदिवासी ये कपड़े कौन है कपड़े बेचते हैं। लड़का कब से गायब था आपका? लड़का मेरा काम नहीं था, लड़का मेरे पास ही था, यहाँ किराए से रहता था। रोज लड़ती थी, उसे मारती कूटती थी। ये लड़की मेरे घर पे नहीं रहने देती, मुझसे बात नहीं करने देती, उसके पापा से बात करने देती। वो
मार कूट कर रात ही रात मुझे यहाँ जयपुर ले गई। जयपुर ले गई, जयपुर ले गई। बस रात में बस एक ही बार बात हुई है मेरी, बस मारी मुझे निकलने नहीं दे रहे। जयपुर काई ले गई थी वो, बता दो ले गई थी, यहाँ नहीं रहने दूंगी, मम्मी पापा के पास नहीं रहने दूंगी मैं। जयपुर कब कब मैं आपको सूचना प्राप्त हुई आपके लड़के की? अभी मुझे 2:30 बजे फोन करा उसने कि तुम्हारे लड़के ने फांसी लगा ली है। बस वो फिर ने मोबाइल बिल्कुल स्विच ऑफ करके रख लिया। मैं फोन पर फोन करूँ पर फोन इसने बिल्कुल स्विच ऑफ करके रख लिया, फोन नहीं करा इसने। हमने तुरंत ही गए बेटा के पास, तुरंत ही गए हम। आप क्या चाहते हो, क्या प्रशासन ने, क्या पुलिस? मैं चाहती हूँ जैसे मेरा बेटा मारा इसको भी फांसी होने चाहिए। लड़की का क्या नाम था? रजनी। पूरा नाम बताओ, रजनी को फांसी होने चाहिए। रजनी का पूरा नाम बताओ। रजनी। बच्चे भी थे क्या? नहीं नहीं। शादी कितने दिन हुए हैं? 6 महीने। 6 महीने हुए। चक्का जाम हुआ है थाना 30 पर इलाके के रोहित सिंह के। वो 8-9 महीने पहले प्रेम विवाह करके जयपुर चले गए थे। वहीं मैं परिवार के रह रहे थे और मजदूरी करते थे। अब इनके बीच में क्या आपस में कुछ हुआ वहाँ, तो 4 तारीख को वो इनकी जो सुसाइड किया कैसे भी, तो वहाँ उनका पीएम हुआ है जयपुर में। तो पीएम के बाद में मरवी कायम है वहाँ। अब जैसी जांच में आएगा वैसे वहाँ के लोग कार्रवाई करेंगे, या यहाँ से कोई जो हमको लिख के देंगे क्या शंका है, तो वो हम अपनी तरफ से वो उनका जो आवेदन है वो हम जयपुर भिजवा देंगे। परिजनों की क्या मांग है? काम किया जाए तो प्रकरण तो वही कहीं होगा, वही मर जांच होगी पहले तो, कि कैसे क्या हुआ कैसे हुआ। नहीं अगर हम तो पूरी मतलब अपना सहयोग करेंगे, क्योंकि हमारे इलाके का मामला जो भी लिख के देंगे हम लोग वही। अभी परिजनों को क्या आश्वासन वगैरह मिला है ताकि चक्का जाम हमारा बंद हो? तो बता दो दिया हमको, आपको जो भी लिखने देना है वो लिख के दे दें आप, तो हम लोग वहाँ भिजवा देंगे, अपना आदमी भिजवा देंगे। थैंक यू। 3 नवंबर को होने वाले विधानसभा के उपचुनावों को लेकर पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी क्रमांक 1 के लिए प्रशिक्षण का आयोजन भारतीय पर्यटन प्रधान संस्थान ग्वालियर में किया गया, जिसमें मतदान के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया। आपको इसको बदलना ही है, आई की स्थिति में नहीं बदलना है। सरकार आप बैटरी वाले सेल को घोषित करेंगे, वो आपके पास इस बैटरी को लेके आएंगे और आपको उसका डिटेल फिर इस पत्र में भरना है। उस कंट्रोल यूनिट का नंबर आएगा, इसका कारण आएगा कि क्यों हम पावर बैंक। जो ICMR के गाइडलाइन है उसी के अकॉर्डिंग ही पूरी कार्रवाई हो रही है। इलेक्शन में पूरा गाइडलाइन का ध्यान रखा जाएगा और उसी के हिसाब से कार्रवाई की जा रही है और वही। मथुरा के कृष्णपुरम कॉलोनी बिरला मंदिर के पास स्थित संजीवनी फिजियोथेरेपी क्लिनिक का शुभारंभ महेश चंद्र काजू द्वारा किया गया। इटावा शहर के श्री पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर लालपुरा में मेडिटेशन गुरु मुनि श्री 108 संत सागर महाराज जी के सत्संग में विराजमान है। इस अवसर पर कार्यक्रम का शुभारंभ आचार्य श्री 108 विराग सागर महाराज जी के चित्र के समक्ष दीप जलाकर भरतना विधायक सावित्री कठेरिया जैन समाज अध्यक्ष संजू जैन ठेकेदार सुभाष जैन महेश रपरिया मीटू जैन OCM ने किया। अब होगी आपसे अगले बुलेटिन में मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।